हेलो, आप सभी बीएलओ साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल समग्र ज्ञान में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि हम किस प्रकार से बीएलओ ऐप के माध्यम से ऐसे मतदाता का नाम काट सकते हैं जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दो बार है या दो जगह है, रिपीटर की स्थिति है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बीएलओ ऐप को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम टच कर देते हैं तो कुछ इस तरह से बीएलओ ऐप ओपन होगा। यहाँ पर ऐप के द्वारा आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको यहाँ पर वनली दिस टाइम पर टच करना है, फिर दोबारा आपको वनली दिस टाइम पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से बीएलओ ऐप ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको नीचे फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म 7 का ऑप्शन आपको 5वें नंबर पर दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है। डिलेशन ऑब्लिक ऑब्जेक्शन इंटर अप्लीकेंट इपिक नंबर, तो यहाँ पर आपको आवेदक की इपिक संख्या लिखनी है। आपको ध्यान रखना है उसकी इपिक संख्या नहीं लिखनी है जिसका आप नाम काट रहे हैं। यदि वही व्यक्ति आपके पास आवेदन का फॉर्म लेके आया है और खुद कह रहा है कि मेरा नाम दो जगह पर जुड़ा हुआ है इसलिए एक मेरा नाम काट दीजिए, उस स्थिति में आपको उसी का इपिक संख्या आप यहां पर लिख सकते हैं जिसका आप नाम काट रहे हैं। और यहां पर आपको सेम इपिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और यदि आक्षेपकर्ता कोई और है और किसी अन्य व्यक्ति का आपको नाम काटना है तो यहाँ पर आपको आक्षेपकर्ता की इपिक आईडी लिखनी है। तो चले हम इपिक आईडी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद अदर इलेक्टर वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको उस मतदाता की इपिक संख्या लिखनी है जिस मतदाता का आप नाम काट रहे हैं। इपिक संख्या लिख लेने के बाद आपको नीचे वेरीफाई एंड फिल फॉर्म 7 का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके राज्य का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जिले का नाम दिखाई देगा और यहाँ पर आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आक्षेपकर्ता का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको आक्षेपकर्ता की इपिक संख्या दिखाई देगी। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यदि आवेदक के द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है तो आप सेल्फ के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आक्षेपकर्ता के द्वारा परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है ऐसी स्थिति में आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको आवेदक आक्षेपकर्ता का मोबाइल नंबर लिखना है। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्लिक ऑब्जेक्शन के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट रीजन वाले ऑप्शन पर टच करना है और यहाँ से आपको कारण चुनना है कि आप किस कारण से उस मतदाता का नाम काट रहे हैं। क्योंकि आज हम जिस मतदाता का नाम काट रहे हैं उसकी मतदाता सूची में दो जगह पर नाम है इसलिए रिपीटर की स्थिति में हम उसका नाम काट रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी इनरोल्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप डिटेल ऑफ द पर्सन के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको उस मतदाता की जानकारी दिखाई देगी जिसका आप नाम निर्वाचक नामावली से काट रहे हैं। यहाँ पर आपको उस मतदाता का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको उस मतदाता का सरनेम दिखाई देगा और यहाँ पर आपको उस मतदाता की इपिक संख्या दिखाई देगी। फिर इसके बाद आपको नीचे एड्रेस दिखाई देगा, तो एड्रेस से संबंध में समस्त जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। हाउस ऑब्लिक बिल्डिंग ऑब्लिक अपार्टमेंट नंबर,
तो यहाँ पर हम उस मतदाता की ग्रह संख्या को लिख लेते हैं। फिर इसके बाद इन रीजनल वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है, तो कुछ इस तरह से उसका आपको हिंदी में रूपांतरण प्राप्त होगा। पर हम यहाँ पर ग्रह संख्या डाले हैं इसलिए उसका हिंदी में रूपांतरण हमको प्राप्त नहीं होगा। फिर देखिए स्ट्रीट आवलिक एरिया आवलिक लोकेलिटी आवलिक मोहल्ला आवलिक रोड, तो यहाँ पर आपको उचित विकल्प के अनुसार लिख लेना है। तो हम यहाँ पर गाँव का ही नाम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए गांव का नाम डी ई एफ है। फिर इसके बाद आपको इन रीजनल वाले ऑप्शन पर टच करना है, तो आपको इसका हिंदी में रूपांतरण प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां पर विलेज आबलिक टाउन, तो यहां पर आपको गांव या शहर का नाम लिखना है, तो हम यहां पर डी ई एफ ले लेते हैं। फिर इसके बाद इन रीजनल वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो हमको इसका हिंदी में रूपांतरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पोस्ट ऑफिस का नाम एबीसी है, तो हम यहाँ पर एबीसी इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर इसके बाद इन रीजनल वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो हमको इसका हिंदी में रूपांतरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर पिन कोड, तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का पिन कोड लिखना है। तहसील आबलिक तालुका आबलिक मंडल, तो यहाँ पर आपको तहसील का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे तहसील का नाम है ए बी सी डी, तो हम इस प्रकार से ए बी सी डी लिख लिए। फिर इसके बाद इन रीजनल वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको उसका हिंदी में रूपांतरण प्राप्त हो जाएगा। सही रूपांतरण को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है, तो कुछ इस तरह से डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। फिर स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिनांक दिखाई देगा, यहाँ पर आपको उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर आवेदक के द्वारा आपको फार्म 7 उपलब्ध कराया गया है। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है, तो कुछ इस तरह से आप फार्म 7 के प्रीव्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन को इस तरह से स्क्रॉल करके समस्त जानकारियों को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि आपसे कहीं भी फार्म 7 को भरने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो आप कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पर टच करके उस जानकारी में सुधार कर सकते हैं। यदि समस्त जानकारियां सही हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है, तो इसके बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहां पर आपको सबमिट पर टच करना है, तो कुछ इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, सक्सेस फार्म 7 सबमिटेड सक्सेसफुली, और नीचे एक रेफरेंस आईडी दिखाई देगी। इस रेफरेंस आईडी को आपको मतदाता के फार्म 7 के ऊपर लिख देना है। फिर इसके बाद आपको नीचे ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टच करना है, तो कुछ इस तरह से आप बीएलओ ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद बीएलओ ऐप के द्वारा किसी भी मतदाता का फार्म 7 भरने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।